हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, मार्केटिंग और पब्लिसिटी के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए उद्योग शुरू करने वालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस बार मैं जानकारी दे रही हूँ लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं और सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद के बारे में। इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा पूरा देखें, उसके बाद कोई सवाल हो तो इनबॉक्स में लिखें। लघु उद्योग से संबंधित यह वीडियो भाग दो है। इसके पहले भाग में हमने दिया है लघु उद्योग के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के बारे में। इस भाग में बताने वाली हूँ लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। ध्यान रहे, इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं उद्यमियों को मिलता है जो सरकार द्वारा मान्य किए गए हैं। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन योजना। इसे शॉर्ट में PMEGP कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के विभाग खादीग्राम उद्योग की देखरेख में शुरू किया गया है। खादीग्राम उद्योग की शाखाएं देश के सभी राज्यों में स्थापित है, इसलिए राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्राम उद्योग की शाखा द्वारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों, सूक्ष्म उद्योगों, कुटीर उद्योगों की संख्या को बढ़ाकर भविष्य में ऐसे कारीगरों को एक स्थिर उद्योग देने का है, जिससे परंपरागत तरीके से उद्योग को चलाने वाले शिल्पियों, कारीगरों को अपनी खानदानी हस्तकलाओं को बंद करके रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। इस योजना का दूसरा मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवा कारीगरों को एकत्र करना और उन्हें उद्योग के प्रति प्रोत्साहित करना व उद्योग शुरू करने में उनकी मदद करना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र में रहने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को उद्योग की लागत का 10% अपने पास से लगाना होता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को 15% की सब्सिडी और ग्रामीण इलाकों में अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को 25% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य वर्ग के लोगों को अपने प्रोजेक्ट का सिर्फ 5% ही अपने पास से लगाना होगा। सरकार द्वारा दी जाने वाले लोन में शहरी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की सब्सिडी का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग में उन्हें ही सब्सिडी दी जाएगी जिनकी लागत 25 लाख से कम होगी। 25 लाख से अधिक वाले प्रोजेक्ट पर यह नियम लागू नहीं होगा। सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग जिनकी लागत 10 लाख से अधिक होगी, वे प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम के तहत उन्हें लोन नहीं मिलेगा। यानी 10 लाख से कम निवेश करने वाले उद्योग को लोन की सुविधा मिलेगी। उम्र, प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन योजना लाभ कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है इस योजना का लाभ ले सकता है। शिक्षा, प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण क्षेत्र में और सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उद्यमी को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हीं प्रोजेक्ट को मदद मिलती है जो इनके द्वारा मान्य किए गए हों।
दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म उद्योग के लिए बैंकों और अन्य संस्थाओं से लोन दिलाना, ताकि छोटे उद्यमी अपने उद्योग को सुचारू रूप से चला सके। एक आंकड़े के अनुसार देश के लगभग 90% सूक्ष्म उद्योग धन के अभाव में बंद हो जाते थे, क्योंकि इसके पहले अधिकतर उद्यमी बैंक नहीं जा पाते थे या फिर बैंक उन्हें आसानी से लोन नहीं देती थी। सूक्ष्म उद्यमियों को आसानी से लोन देने के लिए मुद्रा योजना आरंभ की गई। मुद्रा योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है जिन्हें 50,000 से कम का लोन चाहिए, दूसरा है 50,000 से अधिक और 5 लाख से कम, इसी तरह से तीसरा है 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम लोन चाहिए। ध्यान दें, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेने पर किसी को किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाती है। मुद्रा योजना के अंतर्गत कुटीर उद्योग और सूक्ष्म उद्योग से जुड़े सभी लोग जो स्वयं अपना उद्योग कर रहे हैं या फिर किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में उद्योग कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया है। मुख्य निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयां जो सरकार द्वारा मान्य उद्योग की श्रेणियों में आते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया जाएगा। जैसे दुकानदार, फल सब्जी बेचने वाले, मशीन ऑपरेटर्स, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करण, कागज का सामान बनाने वाले, जरी का काम करने वाले, बढ़ई यानी कारपेंटर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, ऑटो रिपेयरिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जिन्हें उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। लघु उद्योग के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के बारे में जानने के लिए ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं योजना। फ्रेंड्स, अगले वीडियो भाग 3 में लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में बताएंगे, उसे भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी लघु उद्योग से संबंधित जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो आपको नियमित मिलते रहें।